हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया है। और यह जो नोटिस है वो ऑप्शन फॉर्म को लेकर के है। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड CND एग्जाम से 2019 लिखे हैं, उनको ऑप्शन फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को मैं बताता हूँ क्या है। तो डिटेल्स ऑप्शन फॉर्म ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड CND एग्जाम से 2019 है। तो यहाँ पे है सबसे पहले नेम ऑफ द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है नाम अपना लिख लेना है, साथ साथ रोल नंबर जो है एग्जाम का जो रोल नंबर मिला था वो आप लोगों को यहाँ फिलअप कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे किस प्रकार से भरना है इसको देखते हैं आगे में। तो ये है डिटेल्स ऑप्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। तो ग्रेड सी के लिए जो है वो कोड भी दिया हुआ है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी दिया है। आप लोगों का इस सब में कहीं ना कहीं पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है कोड वो देख सकते हैं C1 C2 C3 C4 और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स का है, इलेक्शन कमीशन का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। तो ये कोड दिया हुआ है। साथ साथ इसका जो ग्रेड पे है ये आप लोग देख सकते हैं 4200 करके है, और ये जो है ग्रेड पे 4600 करके है। यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा किस प्रकार से सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में यहाँ पे डिटेल्स ऑप्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। तो ये ग्रेड डी के लिए जो है ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ, तो इसमें आप लोगों को कोड यहाँ पे देख सकते हैं, और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इस तरफ में आप लोगों को दिया जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। तो D5 D6 D7 करते हुए देखिए इधर भी नीचे तक है मिनिस्ट्री, आप लोग देख सकते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे जो है D6 वाला वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि केवल मेल कैंडिडेट्स इसमें फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे फीमेल वाले का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओनली और मेल कैंडिडेट्स ही D6 कोड जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को फिलअप कर सकते हैं। ये आप लोग इधर सारी चीज़ों को देखिए, और D17 इसके बाद में आप लोग इधर में देख सकते हैं D25 आसपास के बाद में आप सीधे देख सकते हैं D31 तक है, यहाँ तक है। तो आप लोग ये जो है डिपार्टमेंट यहाँ पे देख सकते हैं D31 तक है। टोटल आप लोग यहाँ पे 31 तक आप लोगों को ये सारा चीज़ें मिल जाएगी, जो कोड दिया हुआ है सी और डी ग्रेड दोनों का मिला करके 31 है, आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद में है ग्रेड पे यहाँ पे दिया गया है डी के लिए 2400 रुपया करके दिया हुआ है यहाँ पे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये है। और ई जो है ऑप्शन फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना है, इन ऑर्डर प्रिफरेंस इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। तो ये जो है आपका जो 31 बॉक्स दिया गया है इसमें आप लोग अपना जो सुइटेबल डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं कोड को। पूरा के पूरा 31 के 31 आप लोगों को पूरा फिल कर लेना है। तो आप लोगों को जिसमें सुइटेबल लगता है आप लोग इन कोड्स में से यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। और इसके बाद मैं जो डिक्लेरेशन है उसको मैं बताता हूँ क्या है डिक्लेरेशन में। तो द ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड अबव आर फाइनल, आई एम ऑल्सो फुली अवेयर दैट नो चेंजेस इन द ऑर्डर प्रिफरेंस इन द ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड बाय मी अबव वुड बी परमिटेड। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, ये पूरी तरीके से फाइनल है, जो भी भरा हुआ वो पूरी तरीके से फाइनल है और इसको कोई चेंजेस भी नहीं करना है, ये भी यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। तो जो भी यहाँ पे भरना था वो आप लोग सही सलामत भर लेंगे। उसके बाद में जो इधर जो है उसको देखते हैं। तो वाइल गिवन प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर डी इन वॉटर रोड ऑर्गेनाइजेशन ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स D6 है, ये आई हैव गॉन थ्रू द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द अबव पोस्ट अवेलेबल इन द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये जो D6 ग्रेड वाला जो है उसमें आप लोगों को जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया था एग्जामिनेशन नोटिस में उसी प्रकार से आप लोगों को ये मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट इस जगह पर। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं आई फुली अंडरस्टैंड दैट दिस पोस्ट कैरिड हायर मेडिकल स्टैंडर्ड। तो ये जो है वहाँ पर आपको हायर मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाएगा, इसीलिए इसके बारे में स्पेशल यहाँ पे बताया गया है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द SSC मेक्स द फाइनल एलोकेशन ऑफ पोस्ट इन अकॉर्डेंस विद मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ द कैंडिडेट्स एंड वंस ए पोस्ट इज एलोटेड नो चेंज इज मेड बाय द कमीशन फॉर एनी रीजन व्हाट्स ओवर। तो ये जो है आप लोगों को जहाँ भी SSC की ओर से भेजा जाएगा, जो पोस्ट के हिसाब से आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, मेरिट के हिसाब से जो भी आपका आएगा वो जहाँ भी आपको लोकेशन में भेजेगा उस लोकेशन में ही आप लोगों को जाना है। और बात यहाँ पे नो चेंजेस किया गया है, यहाँ पे नो चेंज भी होगा ये भी साथ साथ वो भी बताया गया है। तो जो एक बार आप लोगों का जो हाँ पोस्ट मिल जाएगा उसी पर आप लोगों को जाना है और वहाँ पे करना है आप लोगों को। इसके बाद में यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली इफ आई एम सिलेक्टेड नॉमिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड सब्सिक्वेंटली फेल इन द मेडिकल एग्जामिनेशन आई एम अवेयर दैट आई विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी अदर पोस्ट मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे साफ साफ कहना है कि ये जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले में जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें अगर मैं फेल हो जाता हूँ यहाँ पर तो आप लोग और फिर दूसरे पोस्ट में यहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, ये भी यहाँ पे साफ साफ कहना है। स्ट्राइक आउट इफ दिस इज नॉट अप्लीकेबल, तो ये भी है यहाँ पे और कुछ अप्लीकेबल नहीं है आपको अगर इसमें सेलेक्ट हुआ है और अगर यहाँ पर आप अगर मेडिकल में छंट जाते हैं या फिर किसी कारणवश फेल हो जाते हैं तो आप लोगों को जो है दूसरा पोस्ट में यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ये भी साफ साफ कहना है।
और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पे आप लोग का जो नाम है वो सिग्नेचर कर लेंगे, साथ साथ अपना नाम जो है वो भी डाल लेंगे, पैलेस और डेट जो है वो आप लोगों को फिल कर लेना है जब इस ऑप्शन फॉर्म को मांगा जाएगा, तब आप लोग इसको सही सलामत से भर लेंगे और फिर जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट नोटिस है कि ये जो है डिटेल्स आप लोगों को भर लेना है, ग्रेड सी और ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2019 स्टेनोग्राफर का है। तो ये ही एक नया इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप लोगों को पूरी तरीके से फिल करके जाना है।